हेलो बच्चों, हम अपना चैप्टर चेंजिंग टाइम्स जो है वो पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ तक अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे, मोर चेंजेस। ठीक है, माय टू सन्स एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस, के मेरे दो बेटे और एक बेटी जो है वो उन्होंने जन्म लिया मेरे घर में। ठीक है, कौन बता रहा है ये? चेतन दास अपनी स्टोरी बता रहा है। टाइम पास्ट, समय बीता गया। द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडी, बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 15 ईयर्स एगो आर डॉटर सिमी गॉट मैरिड, 15 साल पहले जो मेरी बेटी थी, इसका नाम क्या था? सिमी, उसकी शादी हो गई एंड मूव टू पलवाल, और वो कहाँ चली गई? पलवाल। व्हेन राजू वॉज टू गेट मैरिड, ही वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड, के जब राजू की शादी की टर्न आई तो मुझे लगा कि हमें घर को जो है वो तैयार कर लेना चाहिए एक नए ब्राइड मीन्स दुल्हन के लिए। ठीक है, बाय देन एवरी वन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, उस टाइम सभी जो थे वो बेक्ड ब्रिक्स का यूज कर रहे थे, ईंट, पक्की ईंटों का। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल फॉर द रूफ, तो हमने भी उन्हीं का यूज किया दीवारें बनाने के लिए, और लिंटल, लिंटल होता है मतलब दरवाजों के ऊपर लकड़ी का यूज करना फर्श पे। तो उन्होंने क्या किया, रूफ जो छत पे, सॉरी छत पे जो है उन्होंने लिंटल का यूज किया, मतलब उन्होंने लकड़ी का काम वहां पे करवाया। वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रांग एंड फैंसी फ्लोर, फ्लोर के लिए हमने मार्बल चिप्स और सीमेंट का यूज किया ताकि वो स्ट्रांग बने। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, और टॉयलेट में हमने पाइप्स लगाई ताकि जो वेस्ट मटीरियल है वो बाहर जाए। द किचन वॉज मेड बिगर, किचन को और बड़ा बनाया गया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा, अब जो राजू की बीवी है वो क्ले चूल्हे का यूज नहीं करेगी। शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, अब वो क्या करेगी, जो गैस स्टोव है वहां पे खाना वो बनाएगी। ये देख सकते हैं आप, घर पहले और अब जो है वो उनके घर में कितना ज्यादा चेंज आ गया है, किचन भी बड़ा हो गया है, अब वो क्ले चूल्हे का यूज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, आपके चैप्टर का नाम ही है चेंजिंग टाइम्स, टाइम बदल रहा है। उसके बाद है सीइंग न्यू थिंग्स, माय यंगर सन मोंटू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर, के मेरा जो छोटा बेटा है जिसका नाम है मोंटू, वो दिल्ली चला गया है क्योंकि उसे वहां क्या लगी है, जॉब। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली, अब वो वहीं रहेगा अपने परिवार के साथ। सुमन एंड आई स्टे विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर एंड विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम, के हम, मैं और सुमन जो है वो मोंटू के पास भी रहेंगे साल में कुछ महीने, और जो बाकी महीने हैं वो हम अपने जो दूसरा बेटा है राजू उसके साथ सोहना विलेज में रहेंगे। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुड़गांव, के दिल्ली से जब हम सोहना गए तो हम कहाँ से होके जाएंगे, गुड़गांव से। सो मेनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर, वहां बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। अ फ्यू ईयर्स एगो राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम, के कुछ साल पहले राजू ने रेनोवेट किया था टॉयलेट और बाथरूम को। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन द बाथरूम, अब उसने बाथरूम में रंग बिरंगी टाइल्स जो है वो यूज की हैं। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ, कि जस्ट सोचिए कि सिर्फ एक नहाने के लिए जो है वो लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, अब मेरी एज कितनी हो चुकी है, 70 साल। In all these years, I have seen so many changes even in my own house. के इन इतने सारे सालों में मैंने बहुत से बदलाव देखे अपने ही घर में। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. कि मुझे नहीं पता कि मेरे जो grandchildren हैं, जो मेरे बच्चों के आगे बच्चे हैं, वो कहाँ रहना पसंद करेंगे और उनका घर कैसा होगा। I wonder what the houses are like in Dera Ghazi Khan today. और मैं सोचता हूँ कि जहाँ हम पहले रहते थे डेरा गाजी खान में, अब वहाँ घर कैसे होंगे। And how all my friends where they will be. और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे वहां पे वो कैसे होंगे और कहाँ होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो आपका घर है उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगी हैं।
फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड. आपने अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ डिस्कस करना है कि उन्होंने क्या चीज़ें लगाई हैं, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए. जैसे कुछ लोगों के घर जो हैं वो कच्चे होंगे, कुछ लोगों के पक्के होंगे, तो वो आपको डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट है, वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप. व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप किस तरह के घर में रहना पसंद करोगे. यू हैव रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ. हैज सम ऑफ द सेम काइंड ऑफ मटीरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस, के पहले जो घर बनाए जाते थे उनके लिए क्या मटीरियल यूज किया जाता था और अब जो घर बनाए जाते हैं उसमें क्या मटीरियल जो है वो यूज किया जाता है. ये डिफ्रेंशिएशन जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए. उसके बाद है, पीपल आर गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, के लोगों को नाम दिया जाता है उस हिसाब से जैसे वो काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर, जैसे कि कोई अगर लकड़ी का काम करता है तो उसे कारपेंटर बोलते हैं. इन योर प्लेस, व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड, तो आपके प्लेस में जहां आप रहते हो वहां अगर कोई पर्सन जो है वो लकड़ी का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं. Now look at picture and fill the table. इस पिक्चर को देखिए और टेबल को फिल करिए. पहला है कि what kind of work is done by different people here. लोग जो हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये पाइप्स लगा रहे हैं, प्लम्बर है. उसके बाद ये क्या, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के साथ लगे हैं, इलेक्ट्रिशियन है. ये क्या है, ये मैसन्स वगैरह जैसे जो मिस्त्री होते हैं वो काम कर रहे हैं. ठीक है, वॉल्स बना रहे हैं. तो ये डिफरेंट काम जो है वो कर रहे हैं. उसके बाद है, व्हाट टूल्स आर दे शोन यूजिंग इन द पिक्चर, के क्या काम कर रहे हैं, किस चीज की हेल्प ली है उन्होंने उस काम को करने के लिए. एंड द व्हाट द पर्सन इज कॉल्ड, और इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं. उसके बाद है, डू यू नो पीपल हु डू दीज टाइप ऑफ वर्क, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट देयर वर्ड्स, क्या आपको पता है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये मतलब इस तरह के काम कौन करता है. अगर नहीं तो आपने उनसे जो है पूछना है, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करना है. विद योर टीचर्स और समवन फ्रॉम होम गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन ये कि जैसे आपने ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला हो, वहाँ क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, कितने मेन और वुमेन जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं. तो आज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बाकी आप लोगों ने ये चैप्टर जो है वो जितना आपको करवाया है वो आपने रिवाइज कर लेना है. आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स है थोड़े बहुत, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.